हेलो फ्रेंड्स, श्याम रसोई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी और टेस्टी फुले फुले बिना फटे मटर के स्वादिष्ट पराठे। तो फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसके लिए आटा लगाएंगे। यहाँ मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से मिला सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आटा बहुत ही अच्छे से लगाना है, आटे में लोच होना चाहिए, तभी हमारे पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। ये देखिए, इतना आटा लगाने में मेरा 1 कप और 2 टेबल स्पून पानी लगा है। इस पर हम थोड़ा घी लगा देंगे और इसे अच्छे से मसल कर 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम एक मिक्सर के जार में 2 कप फ्रेश मटर के दाने लेंगे। फ्रेश मटर के दाने ही यूज़ कीजिएगा और बिना पानी डाले हमने इसे इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। और अब मैं यहाँ 4 कली लहसुन की ले रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो बिना इसके भी ये पराठे बना सकते हैं। अब हम इसमें साथ के साथ 2 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके ले लेंगे। इसे भी मिक्स कर देंगे और अब हम इन दोनों को 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इससे मटर के पराठे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च को बारीक कट करके मिलाएंगे। साथ ही मैं यहाँ 1 प्याज को बारीक कट करके ऐड कर रही हूँ। प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेंगे लगभग 2-3 मिनट के लिए। साथ ही मैं यहाँ 1/4 चम्मच हींग ऐड कर रही हूँ। हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे पराठे में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें क्रश किए हुए मटर ऐड कर देंगे और मटर को हम मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इससे मटर में जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी सूख जाएगा और मटर का कच्चापन भी निकल जाएगा। अब मैं यहाँ 2 मीडियम साइज के बॉयल और मैश किए हुए आलू ऐड कर रही हूँ। आलू ऐड करने से मटर के पराठे में टेस्ट और भी ज़्यादा आता है फ्रेंड्स। साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच यहाँ मैंने सौंफ का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच आमचूर का पाउडर, आप इसकी जगह नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो ये हमारी सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर खटाई और नमक को टेस्ट कर सकते हैं। मैंने टेस्ट किया था तो मुझे नमक कम लगा। यहाँ मैं 1/2 चम्मच काला नमक ऐड कर रही हूँ। साथ ही खट्टापन भी कम था तो मैं 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो चलिए पराठे बनाते हैं। इधर हमारा आटा भी फूलकर सेट हो गया है। तो पहले हम इसे अच्छे से घी लगाकर मसल लेंगे। फ्रेंड्स, आटे में लोच होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे पराठे बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो अब हम जो हम चपाती के लिए आटा लेते हैं उससे ज़्यादा आटा लेंगे और इसकी लोई बनाकर सूखा आटा लगा लेंगे और दोनों हाथों के अंगूठों से इस तरह से प्रेस करते हुए एक कटोरी जैसा शेप बना लेंगे। ये देखिए इस तरह। और इसमें हम मसाला जितना हमने लोई ली थी उससे ज़्यादा भरेंगे। फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से होगा तभी पराठे का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। जैसे ढाबे पर बनाते हैं बिल्कुल उसी स्टाइल से हम इसे बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने बहुत अच्छे से इसमें मसाला भर दिया है। अब हम एक हाथ की हथेली पर रखकर आटा पास लाएंगे और दूसरे हाथ के अंगूठे से मसाला अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। ये देखिए जैसे हम कचौरी फील करते हैं वैसे ही इसमें मसाला भरेंगे।
तो ये देखिए चारों तरफ से इसे पैक कर देंगे। आप चाहे तो एक्स्ट्रा आटा हटा सकते हैं, मैंने नहीं हटाया है। अब वापस सूखा आटा लगाकर हाथों की अंगुलियों से चारों तरफ इसे प्रेस कर देंगे ताकि मसाला इक्वली पराठे में लग जाए। अब हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे और इधर हमारा तवा भी गर्म हो चुका है तो हम इसे तवे पर डालकर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। घी या तेल किसी का भी यूज़ किया जा सकता है, मैं यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा फ्रेंड्स। इसी तरह हम दोनों साइड घी लगाकर इसे सेक लेंगे। ये देखिए एक एक पराठा फूलकर तैयार होगा, बहुत बढ़िया पराठा बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स आप इस पराठे को दही अचार किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर और ये हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।